देश में टेलीकॉम क्षेत्र की दिग्गज मानी जाने वाली कंपनी रिलायंस जियो को उसके यूजर्स की नाराजगी ने बड़ा झटका दिया है। जियो को देश में चल रहे किसान आंदोलन की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। पिछले 3 महीनों में जियो के 15 लाख सब्सक्राइबर्स कम हो गए हैं। कंपनी को ये घाटा पंजाब और हरियाणा में हुआ है। 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो की शुरुआत की थी। इसके बाद ये पहला मौका है जब कंपनी के यूजर बेस में भारी भरकम कमी आई हो। हालांकि कंपनी के लिए राहत की बात यह है कि देश के सिर्फ 2 राज्यों में ही उसके यूजर्स की संख्या कम हुई है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के मुताबिक दिसंबर 2020 के जारी ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि जियो ने कुछ ही महीनों के अंदर 15 लाख से ज्यादा ग्राहकों को खो दिया है। नवम्बर 2020 में किसान आंदोलन की शुरुआत के समय पंजाब में 1.40 करोड़ जियो सब्सक्राइबर थे, लेकिन किसान आंदोलन के बढ़ने के बाद लोगों ने जियो को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। इसके बाद जियो के सब्सक्राइबर दिसंबर 2020 तक घटकर 1.25 करोड़ रह गए। बता दें कि मुकेश अंबानी ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के खिलाफ ट्राई में गलत प्रचार और लोगों को जियो को बायकॉट करने के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे। हालांकि दोनों ही कंपनियों ने इसे सिरे से नकार दिया था। ट्राई को लिखे पत्र में जियो ने कहा था कि ना तो रिलायंस और ना ही उसकी किसी सहायक कंपनी ने कॉर्पोरेट या अनुबंध खेती के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पंजाब या हरियाणा में या भारत में कहीं भी किसी भी कृषि भूमि को ना तो खरीदा है और ना ही ऐसी खरीदने की कोई योजना है। कमर्शियल तौर पर जियो इकलौता ऐसा ऑपरेटर है जिसके ग्राहकों की संख्या में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पंजाब की ही तरह हरियाणा में भी किसान आंदोलन का गुस्सा जियो को झेलना पड़ा। नवंबर 2020 तक जियो के हरियाणा में 94 लाख से ज्यादा यूजर्स थे, जबकि दिसंबर 2020 तक कंपनी के यूजर्स 89 लाख रह गए। आपको बता दें कि सितंबर 2020 में संसद में 3 कृषि कानून पास किए गए थे, जिसके बाद से पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी दौरान कई किसान संगठनों ने भी सरकार पर आरोप लगाए कि किसानों की जमीन सरकार मुकेश अंबानी और अडानी को देना चाहती है, जिसके बाद दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट्स की बायकॉट करने का कैंपेन तक चला। इसी दौरान जियो के नेटवर्क से कस्टमर्स ने दूसरे नेटवर्क में अपनी टेलीकॉम सर्विसेज पोर्ट करा ली। साथ ही किसान संगठन ने अंबानी और अडानी पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसान की जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया, जिस पर दोनों कंपनियों ने बयान जारी कर इन आरोपों को निराधार बताया। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा के कई क्षेत्रों में जियो के टावरों को गुस्से का शिकार भी होना पड़ा, जिसके खिलाफ जियो ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। कंपनी ने दिसंबर की तिमाही रिपोर्ट में कहा था कि देश के कुछ राज्यों में उनकी कंपनी के खिलाफ चलाए जा रहे नकारात्मक कैंपेन की वजह से उनके सब्सक्राइबर बेस में 1.63% की गिरावट दर्ज की गई है। ट्राई के जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या में सिर्फ 4.78 लाख की बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारतीय एयरटेल से 40 लाख से ज्यादा ग्राहक जुड़ गए हैं। वहीं वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या में 56 लाख से ज्यादा की कमी आई है। हाल ही के दिनों में सबसे ज्यादा नुकसान वोडाफोन आइडिया को ही हुआ है, लेकिन सिर्फ 5 सालों में देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के तौर पर सामने आई जियो के लिए ये बड़ा झटका है।